नमस्कार, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, हमारे पास एक मोबाइल फोन आया है, एक टैबलेट आया है। अब इसको टैबलेट कहूँ या फैबलेट कहूँ, तो चलिए इसको खुलने के बाद ही पता चल पाएगा। तो ये बेसिकली डैड एक टैबलेट है, तो ये हमारे पास आया। देखिए, इसमें ये पावर की इसमें दी हुई है, आपको दिख रही है। मैं इस पावर की को दबा रहा हूँ जोर से, फिर भी ये टैबलेट, ये देखिए पावर की को मैं जोर से दबा रहा हूँ, फिर भी ये टैबलेट चालू नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें कुछ भी रीडिंग नहीं आ रही, सॉरी कुछ भी इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है, और कुछ भी वाइब्रेट भी नहीं कर रहा है, और कहीं से रिंगर भी नहीं बज रही है। तो ये भी अनुमानित नहीं लगा जा रहा है कि भाई डिस्प्ले खराब हो। तो इसमें बेसिकली इसको खोल के चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, चलिए इसको खोल लेते हैं। खोलने से पहले देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि जो भी मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं उनको टैबलेट खुलना आना चाहिए। तो जैसे ही हमने देखा कि चारों तरफ हमें कहीं पे भी हमें स्क्रू नहीं दिखाई दिए। आपको देखा कि आप यहाँ पे भी देखिए, आपको स्क्रू नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपने यहाँ देखा तो आपको यहाँ पे भी स्क्रू दिखाई नहीं दे रहे हैं, और यहाँ देखा तो यहाँ पर भी आपको स्क्रू दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि ये इंटरलॉकिंग होती है और ये ऊपर से होती है। यहाँ पर आपको एयर, गर्म हवा बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये चुपके नहीं होते, इंटरलॉकिंग होती है। आप क्या करें, एक रेजर ले लें, और रेजर लेने के बाद में नहीं, गलत, ऐसे नहीं बना, रेजर ले ले, और रेजर लेने के बाद में देखिए, उसमें यहाँ पे आप बीच में डालें और इसको थोड़ा यहाँ से उठाएं। जैसे थोड़ा सा ये उठाने पर ये देखिए उठ गया है, ठीक है, ऐसे करते है ना, थोड़ा जूम भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये खुल रहा है, आपको दिख रहा होगा बड़ी आसानी से। और चलिए इसको पूरा खोल लेते हैं, चलिए। बड़ी आसानी से ये इंटरलॉकिंग होती है, ये बेसिकली अंदर से लॉक होते हैं, इसमें कोई स्क्रू नहीं होता। फिर आप आराम से ट्विजर से भी खोल सकते हैं, पर ट्विजर से मैं ज़्यादातर बोलता हूँ कि ट्विजर से बिल्कुल ना खोलें। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप ट्विजर से खोल लीजिए। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये आपके सामने जो दिख रही हैं, ये जो आपके सामने दिख रही है, ये आपकी बैटरी लगी हुई है, लिथियम पॉलीमर बैटरी है, जिसमें जेल भरे होते हैं। और ये बेसिकली उसका इंटरफेस है, ये बेसिकली उसका पीसीबी बोर्ड है। तो अगर आप पीसीबी बोर्ड में देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पीसीबी बोर्ड को थोड़ा दिखाऊंगा, फिर बाद में हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको जैसे दिख रहे हैं, आपको ये बड़ी बड़ी लैग आईसियाँ दिख रही हैं। देखिए, आपको ऐसी लैग आईसियाँ दिख रही है ना, बड़ी बड़ी, और यहाँ पे आप जो दिख रहे हैं, इस तरह की जो लैग आईसी दिख रही है, आप देख रही है आरटीसी, देखिए क्रिस्टल इस तरह से लगे हुए हैं। और देखिए, इतना बड़ा इसमें बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। अगर बूस्ट कॉइल की बात करेंगे तो देखिए, इतना बड़ा इसमें बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। और आप देख रहे हैं डायोड भी, देखिए इसमें कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं। तो ये नॉर्मली ज़्यादातर मोबाइलों या टैबलेटों में नहीं लगे होते, ये लगे होते कंप्यूटर्स में। और मैं आपको इसमें एक चीज़ और इसमें दिखाना चाहूँगा कि अगर आप इसमें देख रहे हैं, तो देखिए आपने नोटिस किया होगा कि ये जो कैपेसिटर, रजिस्टर, जो कॉइल्स हैं, सब में है ना, इसके ऊपर है ना, इसके कोड नंबर लिखे हुए हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है इसके में सी, तो ये कैपेसिटर लगा हुआ। तो ये देखिए, इस तरह से ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये रजिस्टर लगा हुआ है। और आईसीओ को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये U8 आईसी अगर हम इसको माने, तो आईसीओ को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये रजिस्टर लगा हुआ, कोड रजिस्टर लगा हुआ। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो सिग्मेट्री डायग्राम है, तो बेसिकली उसका पूरा यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये ज़्यादातर मदरबोर्ड में होते हैं, जो सीपीयू जो कंप्यूटर में होते हैं, इस तरह से जो इंटरफेसिंग होती है, इस तरह का जो एक सर्किट होता है, ये कंप्यूटर में होता है, मोबाइल फ़ोन में या टैबलेट में नहीं पाया जाता। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, ये इसका जो बैटरी लगी हुई है, ये इसमें बेसिकली इसका कनेक्टर लगा हुआ है। तो इसका कनेक्टर निकाल लेते हैं, कनेक्टर निकाल लो, ज़रा निकालो कनेक्टर। देखिए, कनेक्टर निकाल लिया है, ये बैटरी नॉन रिमूवेबल बैटरी है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। मैं इस बैटरी की थोड़ी एक आपको खास बात बताऊंगा कि इसमें 4.2 वोल्टेज की बैटरी नहीं है, इसमें है 7.4 वोल्टेज की बैटरी। ये देखिए, ये आपके सामने दिख रही है ना, 7.4 वोल्टेज की बैटरी है। अगर हम इसका अभी करंट वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मोबाइल फोनों में बैटरियों के वोल्टेज चेक किए जाते हैं, तो भैया मल्टीमीटर को आप 20 वोल्ट पे रखें। चलिए आप बैटरी के वोल्ट चेक करें, तो देखिए, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये आपको बैटरी कनेक्टर दिया हुआ है, ये अब इसमें प्लस माइनस कौन सा है, इसको देखने के लिए क्या करें, देखिए वो तो वैसे ही समझ में आ रहा है, रेड वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है। मान लीजिए यहाँ पर प्लस माइनस समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं प्लस माइनस कौन सा है। तो इसमें कोल्ड टेस्टिंग करेंगे हम,
प्लस माइनस समझने के लिए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ बैटरी कनेक्टर में, तो चलिए एक को ग्राउंड पे लगा लो। अभी देखिए वो ग्राउंड ढूंढेगा पर उसको ग्राउंड कहीं पे मिलेगा नहीं बेसिकली, तो वो क्या कर सकता है किसी भी कंपोनेंट के, ज्यादातर कैपेसिटर के सिरे क्या होते हैं ग्राउंड होते हैं। तो ये जो कैपेसिटर दिख रहा है आपको, ये जो कैपेसिटर दिख रहा है इसका ये वाला सिरा ग्राउंड है, तो यहाँ पे रेड लगा लो। अगर आपको ग्राउंड ना दिखे तो आप कैपेसिटर के एक सिरे को ऊपर ग्राउंड लगा सकते हैं। तो देखिए ये वाले पे लगा लो, ये वाला चेक किया था, चलिए ये वाला लगा लो, ये उसके ऊपर तो नीचे यहाँ पर। अब इसको बैटरी कनेक्टर पर रखिए, चलिए अब इसको बैटरी कनेक्टर पर रखें। तो देखिए बैटरी कनेक्टर के वो वाले सिरे पे, बैटरी कनेक्टर पर, बैटरी कनेक्टर पर, तो यहाँ पे देखिए। अब इसको बीप मोड पे, बीप मोड पे लो, चलिए बीप मोड पे ले लिया है। अब इसमें हम कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं, अब बैटरी कनेक्टर पे लगाओ। तो यहाँ पे देखिए आपको 144 रीडिंग आ रही है जो बी बैट की सप्लाई है, हालांकि इसमें 250 से 300 के बीच में रीडिंग आनी चाहिए। अब इसका बीच वाला पॉइंट देखो, बीच में लगाओ, ये बीएसआई का पॉइंट होता है, इस पे एक आ रहा है मतलब ये ओपन है। उसके तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले में ग्राउंड है तो ये बीप आ रही है। तो बेसिकली यहाँ पर ये करेक्टर जो ठीक है, सप्लाइयां ठीक है, अभी इसमें कोई शॉर्टिंग तो समझ में नहीं आ रही है, अभी इसमें फुल शॉर्टिंग तो बिल्कुल नहीं है, हाफ शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। तो बैटरी कनेक्टर के दोनों ओर लगाओ, एक प्लस एक माइनस में। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही है, आ रही है यहाँ पर, तो एक जगह रीडिंग आती है, एक जगह रीडिंग नहीं आती है, तो ये बी बैट की सप्लाई है, ये बिल्कुल सही है। पलटाओ, रिवर्स करके लगाओ, अगर रिवर्स करने के बाद यहाँ पर अगर रीडिंग आई तो ये हाफ शॉर्ट है मोबाइल। तो देखिए यहाँ पर रीडिंग नहीं आई है, मतलब मोबाइल फोन में शॉर्टिंग नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे, हम बैटरी कनेक्ट, अब बैटरी चेक करेंगे। तो बैटरी पे वोल्ट 20 वोल्ट पे लगाओ मल्टीमीटर, और 20 वोल्ट पे लगाने पर हमारी इस बैटरी में कितना वोल्टेज होना चाहिए, 4.2 होना चाहिए। फिर से बताओ कितना वोल्ट होना चाहिए, हमने पहले बताया था यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 7.4 लिखा हुआ है। ये एक फैबलेट है, ये छोटा कंप्यूटर है, ये मोबाइल फोन नहीं है, तो 7.4 वोल्टेज का है ये। और ये अगर आपको कैसे पता करना है कि आपका बैटरी में कितना वोल्टेज है, तो वो बैटरियों के ऊपर लिखा होता है, कहाँ लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 7.4, तो मुझे इसमें कितना आना चाहिए, चलिए चेक करो, एक मिनट, हाँ चेक करो, प्लस माइनस में लगा बैटरी कनेक्टर के, कितना आ रहा है, 6.7। अच्छा इसी वजह से ये मोबाइल फोन क्या है, डेड। अभी इसको हम क्या करेंगे, बूस्ट। तो कैसे बूस्ट करेंगे, मल्टी बूस्टर लाओ, मल्टी बूस्टर दो जरा पीछे से, कम बैटर मल्टी बूस्टर दो। ये है मल्टी बूस्टर जो बैटरियों के, जो बेसिकली डैड बैटरियों को चार्ज कर देता है। तो इसको हम 12 वोल्ट पे रखेंगे, देखो उसको चालू कर दो, चलिए चालू हो चुका है। इसमें भी दो प्रोब्स होती हैं, दोनों प्रोब दिखाइए मल्टी बूस्टर की, एक होती है रेड और एक होती है ब्लैक। तो वो आप रखिए बैटरी कनेक्टर के, एक प्लस पे प्लस रखिए और माइनस पे माइनस रखिए। चलिए अब उसको थोड़ी देर रखे ले, ये आपको तब तक करना है जब तक आप अपने मोबाइल फोन को कितना चार्ज ना कर लें, 7.4। और 7.4 चार्ज करने के बाद में ये मिनिमम चार्जिंग है, आप इसको ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं जो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है। तो चलिए आप 7.4 चार्ज कीजिए फिलहाल। तो चलिए हमने इसको पूरा चार्ज तो कर लिया है, जो वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हैं, चलिए 20 वोल्ट पे ले आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 7 वोल्टेज तक तो आ गया है, हालांकि इसको 7.4 करना था, 7.04 नहीं। चलो ठीक है, अब एक काम करो, इतने में आपका मोबाइल फोन उठ सकता है, क्योंकि मोबाइल नहीं है, फैबलेट है, ये कंप्यूटर से जैसा बिल्कुल उसका पीसीबी है। तो चलो इसको एक काम करो, इसको पैक करो, कनेक्टर को लगाओ, आपको इसको कितना करना है, 7.4, ठीक है। तो एक बार इसको फिर से एक बार चालू करके देख लेते हैं, क्योंकि 7 तक आ चुका है, तो थोड़ा बहुत हल्का उठा लेना चाहिए इसको। चलिए अब इसका जो स्विच है, वो स्विच ये लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आपको, अब ये वाला दबाओ और पीछे से हमें दिखाइए, यहां से दबाओ वो स्विच। तो देखो ये मोबाइल फोन आपका जो एंड्रॉइड चालू हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल को बना सकते हैं। चलिए
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो पे। आप देख रहे थे एशिया टेलीकॉम, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।